नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। जुन्नारदे सुकरी वार्ड क्रमांक 18 में मकान की कच्ची दीवार गिरने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत। प्रशासन पहुंचा, तेज बारिश के कारण कच्चे मकान में रह रहे परिवार के मुखिया की दीवार में मलबे से दबने से मृत्यु हो गई है। मामले के संदर्भ में मिली जानकारी के नगरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 सुकरी गोंडी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र युनाती पिता सुमेर अपने दो बच्चे व पत्नी के साथ सो रहा था। तभी रात्रि को अचानक मकान की एक कच्ची दीवार गिर गई एवं मलबे में दबने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार कमलेश राम नीरज, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन एवं नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अवलेश जायसवाल सहित घटना स्थल पहुंचकर मुआयना किया। साथ ही नापा प्रशासन की ओर से तत्काल 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि सौंपी गई। तो वहीं हादसे की जांच व पंचनामा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सर, ये जुन्नारदे थाना अंतर्गत आज कोई दीवार गिरने से मौत हो गई थी, क्या था मामला सर? जी हाँ, वार्ड नंबर 18 सुकरी थाना जुन्नारदे की है। वहाँ कच्चा मकान था जिसकी दीवार गिरने से एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र था, जो मजदूरी करता था, वो दीवार गिरने से उसके सर पर चोट आने से मृत्यु हुई उसकी। कितने बजे की घटना था ये? रात 12 बजे की बता रहे थे परिवार वाले। अच्छा, परिजन में और कोई घायल हुए? नहीं, परिजन में वो मतलब उसके पत्नी और दो बच्चे थे जो सामने वाले कमरे में सो रहे थे, और वहाँ से वो जिस जगह दीवार गिरी वो अकेला व्यक्ति सो रहा था। जुन्नारदे में दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से एक घंटे बंद्रा पंसिल एवं बंधा मार्ग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते रहे राहगीर। दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। शहर के अधिकांश निचले इलाकों में जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तो वहीं नगर को जोड़ने वाले पंसिल मार्ग एवं बंधा मार्ग पुल उफान पर होने के कारण एक घंटे से अधिक समय तक आवागमन बाधित रहा। किंतु इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सूचक बोर्ड लगाने के बाद भी पुलिस एवं स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की गैर मौजूदगी में पुल के ऊपर से बहते पानी से लोगों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करते रहे, जो कि निश्चित ही किसी बड़े हादसे को आमंत्रित करता है, जिसे सुधारने की मांग स्थानीय नगर वासियों ने प्रशासन से की है। जुन्नारदे बीजेपी मंडल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का कर वितरण कर सेवा दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर वहां पर भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया एवं तत्पश्चात अंबेडकर चौक पर गरीब निर्धन राहगीरों को फल बांटे गए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने का निवेदन किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने इसकी शपथ भी ली। कार्यक्रम अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नवनीत मोनू जैन, होमी उड़िया, शरद कुरुलिया, रूपेश विश्वकर्मा, दीपेश जैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना ना भूलें।